कई बार अदालतों में बहुत दिलचस्प मामले आते हैं जिन्हें सुनकर देखकर आपके पेट में हंसते हंसते बल पड़ जाएं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक मामला आया जिसमें याचिकाकर्ता आनंद किशोर चौधरी आए तो थे हर्जाना मांगने, लेकिन जुर्माना भर के उनको जाना पड़ा। अब आप सुनिए कि दिलचस्प किस्सा क्या है। आनंद किशोर चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि वो मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से पढ़ती है। जब यूट्यूब से उन्होंने चीज़ें पढ़ना शुरू की, देखना शुरू की, लेक्चर वीडियो देखने शुरू किए, तो उसमें उनका ये कहना था कि यूट्यूब पर 75 लाख रुपये का हर्जाना लगाया जाए और मुझे वो रकम दिलाई जाए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था भर्ती की, और उस पाठ में जो सबक उन्हें याद करना था, पढ़ना था, उसमें बहुत सारे अश्लील वीडियो आ रहे थे जिन्हें देखकर उनकी पढ़ाई की एकाग्रता भंग हो रही थी, उनका ध्यान भंग हो रहा था, जिस वजह से वो ढंग से तैयारी नहीं कर पाए। इसका जिम्मेदार केवल और केवल यूट्यूब है, इसलिए कोर्ट यूट्यूब पर जुर्माना लगाए, हर्जाना दे और हमें 75 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब की वजह से, उनके अश्लील वीडियो की वजह से हम मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा पास नहीं कर पाए। अदालत ने कहा याचिका बहुत दिलचस्प है लेकिन ये बेतुकी है, और इस तरह की याचिकाओं से अदालत का समय खराब हुआ है, लिहाजा इस याचिकाकर्ता पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। याचिकाकर्ता बहुत भोला और मासूम था, उसे लगा कि 7 लाख रुपए हर्जाना मिल रहा है, उन्होंने कहा चलो भागते भूत की लंगोटी भली, उन्होंने कहा थैंक यू माय लॉर्ड, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन जब बाहर आया तो उनके वकील ने कहा कि ये 7 लाख रुपए तुम पर जुर्माना है। ये तुरंत वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि हुजूर, हमारे माँ बाप तो बड़े मजदूर हैं और उन पे इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये इतना पैसा तो मैं नहीं भर सकूँगा। कोर्ट ने फिर उस पर 1 लाख रुपये जुर्माना किया। अब इसने एक सोचा कि चलो 1 लाख रुपये हर्जाना मुझे मिलेगा, ये फिर थैंक यू करके वापस आया। फिर वकील ने कहा अरे 1 लाख रुपए का जुर्माना है, हाथ पैर जोड़ो तो शायद माफ़ी हो जाए। फिर उसने हाथ पैर जोड़े, कोर्ट ने कहा चलो 25,000 तो तुम्हें भरने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की बेतुकी याचिकाओं पर रोक लगाना ज़रूरी है, लिहाजा ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है। ऐसा आदमी जिसे यूट्यूब का सबक याद नहीं हो पाया, जो असली वीडियो थे वो देखने के बजाय वो अश्लील वीडियो देखने लग गया, ऐसे आदमी पर अब 25,000 रुपये का जुर्माना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 1-2 दिन बाद फिर वो हाथ पैर जोड़ने पहुंचते हैं या फिर 25,000 रुपये का जुर्माना भरते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि PIL के नाम पर या फिर कई बार इस तरह की याचिकाओं के नाम पर ऐसे लोग आते हैं जिनकी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की निगाह में उसमें मेरिट नहीं होता, बेतुकी होती हैं, और बहुत सारी याचिकाएँ तो सिर्फ जो PIL हैं उसके लिए कोर्ट कहता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, पब्लिसिटी इंटरेस्टेड लिटिगेशन है, लिहाजा ये सस्ती लोकप्रियता पाने की चीज़ है। और ऐसे में इस याचिका को ये कहते हुए कोर्ट ने खारिज किया और जुर्माना भी लगाया कि इस तरह की बेतुकी याचिकाएं यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें आदमी अपनी गलतियाँ दूसरे पर थोप देता है। और ऐसे में यूट्यूब तो फिलहाल बच गया, लेकिन याचिकाकर्ता आनंद किशोर चौधरी को 25,000 रुपये भरने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।